कैसे हैं आप और मेरे चैनल कुक विद मोनिका में आप सबका वेलकम करती हूं। दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि मैं अपनी किचन में हूं और मैं वापस आ गई अपने घर और कुछ क्विक रेसिपी सोच रही हूं बच्चों के लिए बनाऊं, आपके लिए ऐसी रेसिपी हो जो आप भी फटाफट से बना सकें और खाने में बढ़िया हो। और नाम सुनते ही सबका मन करे कि ये तो खाना ही है, हम बना रहे हैं चीज बर्ड्स पराठा। दोस्तों चीज बर्ड्स पराठा पिज्जा तो लोग सुन के खुश हो जाते हैं और मैंने भी जे सुपर कॉर्क से पिज्जा चैलेंज किया था, उसमें हम लोगों ने वैसे चैलेंज किया, पेट भरा हुआ था, ज्यादा हमसे खाया नहीं गया, थोड़ा थोड़ा ही खाया, लेकिन कुछ मेरे को उससे मिला कि हम ऐसा कुछ अगर परांठे में बनाएं कुछ ऐसा कि खूब लोडेड विद चीज हो, खाने में मजा आए, तो आज मैं ऐसी रेसिपी आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसको बनाने के लिए मैं क्या क्या चाहिए ये देख लेते हैं, बहुत इजी है। तो मैं थोड़ा सा मैदा चाहिए, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। यार ये मैदा मैंने रखा हुआ है नाप कर पहले से, 3 कप के करीब मैदा है। चीज बर्ड्स परांठा तो चीज बना रहे थे, 200 ग्राम चीज है, इससे हम 1 या 2 परांठे बना सकते हैं, ज्यादा नहीं क्योंकि खूब सारा चीज चाहिए। तो 200 ग्राम चीज में 100 से 150 ग्राम हमें एक परांठे के लिए चाहिए, तो अभी मेरे पास इतना ही चीज है तो मैं छोटे 2 परांठे आपको बनाकर बताती हूँ। साथ में आटा गूंदेंगे, पहले हम थोड़ा तेल चाहिए होगा, 3 कप में 2 से 3 चम्मच आप तेल ऐड करेंगे, मैदा अगर ले रहे हैं 3 कप। साथ में थोड़ा सा नमक चाहिए और हमें पिज्ज़ा का फ्लेवर अच्छे से आए तो मैं इसमें पिज्ज़ा सीजनिंग ऐड कर रही हूँ, आप बाजार से ले सकते हैं, तो घर पर जब आप पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो थोड़े सैशेज हमारे पास आते हैं वो सेव करके रख लें, वो 1 से 2 सैशे डाल लें। नहीं अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप और थोड़ी सी अजवाइन पीस के ऐड कर सकते हैं, नहीं तो प्लेन नमक के साथ बना लीजिए। और हम पानी के साथ इसका आटा गूंदेंगे, तो मैं इसमें पहले देखिए नमक ऐड कर देती हूँ, ये इतना नमक बहुत रहेगा। साथ ही इसमें मैं तेल भी ऐड कर देती हूँ, ये 3 चम्मच के करीब तेल है, इतना ऐड कर दिया है। और ओरिगानो बेजिल और पिज्ज़ा सीजनिंग है, इसमें ओरिगानो बेजिल थोड़ा सा गार्लिक पाउडर होता है। इसकी रेसिपी मैंने सीक्रेट स्पाइस के नाम से, सीक्रेट पिज्ज़ा सीजनिंग के नाम से शेयर की हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं, उसको देखकर भी आप घर पर खुद इजीली बना सकते हैं, बाजार में थोड़ा महंगा होता है, घर पर इजीली बन जाता है। तो ये हमने थोड़ा सा ये भी ऐड कर दिया, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम आटा लगाएंगे। कर लेते हैं तेल को, नमक को, जो हमने सीजनिंग ऐड की है इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, काफ़ी सारा आटा गिरा भी नहीं हुआ साथ साथ, तो इसे मिक्स कर लेते हैं, हाथ से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसका थोड़ा थोड़ा पानी, आप पानी थोड़ा सा आप गर्म लेंगे ना, अगर थोड़ा सा हल्का सा वार्म होगा तो बहुत सॉफ्ट आटा बनेगा, तो आप गर्म ले सकते हैं, तो आजकल पानी वैसे ही थोड़ा वार्म होता है, उससे आटा गूंद लेते हैं। तो हमने आटा इसका बहुत सख्त नहीं बनाना और सॉफ्ट नहीं बनाना, जैसे रोटी के लिए बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो मैं आटा गूंद रही हूँ और बहुत इजी रेसिपी है ये, इसे बनाएंगे आप चीज बर्ड्स पराठा, बच्चों को बोलेंगे क्या बनाए चीज बर्ड्स पराठा, बहुत खुश होकर खाएंगे। तो इसको अब हम गूंद कर फटाफट से आपको बताते हैं, इसको आधा घंटा रेस्ट कराएंगे क्योंकि जब तक हम चीज ग्रेट करेंगे, तवा वगैरह गर्म करेंगे और सामान तैयारी करेंगे तब तक क्या होगा ये आटा रेस्ट कर लेगा, तो 15 मिनट तक भी आप इसे रेस्ट करा दें आटे को। तो चीज में कभी भी आटा गूंदते हैं तो उसे 10 मिनट कम से कम रेस्ट कराना चाहिए, तभी रोटी अच्छी बनती है। चलिए आटा हमारा गूंद गया है और मैं देखिए आटा हमारा अच्छे से गूंद गया है, अब मैं इसे ढककर रख रही हूँ। अब तब तक हम क्या करते हैं चीज ग्रेट कर लेंगे और बाकी जो हमारी तैयारी है, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, सिर्फ चीज चाहिए और थोड़ी केचप चाहिए होगी, दैट्स इट। तो अभी हम वो ले जाते हैं। तो देखिए मैंने आटा अच्छे से गूंद कर रख लिया था आपने देखा, और सूखा आटा भी हमने ले लिया है और चीज को भी अच्छे से ग्रेट कर लिया है। साथ में हमें थोड़ा सा तेल चाहिए क्योंकि पराठा बना रहे हैं, तेल में ही बनाएंगे। और इसके साथ दोस्तों हमें नॉनस्टिक पैन चाहिए इस तरीके से, या तवा ले सकते हैं नॉनस्टिक, या फिर आप जरूरी नहीं नॉनस्टिक लें, आप नॉर्मल जिस रोटी तवा पर रोटी बनाते हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ढक्कन चाहिए होगा इसको ढकने के लिए, तो कोई भी ढक्कन जो फिट हो रहा है आप यूज़ कर लें। तो मैं इस जो हमारा ऑमलेट पैन है इसमें बना रही हूँ, आप तवे पर किसी भी बर्तन पर जिस पर भी आप रोटी सेकते हैं बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता दूँ कैसे हम बनाएंगे पिज्ज़ा पराठा, कैसे बेलेंगे, तो चलिए उसी की तैयारी करते हैं, बेलते हैं। हमें पतली पतली 2 रोटियां बेलनी है चीज बर्ड्स पराठे के लिए, और पतली बेलनी है जैसे, देखिए आटा ना हमने बहुत सख्त नहीं गूंदा है और नरम नहीं गूंदा है कि टूट रहा है, और सख्त नहीं है कि हमसे फैल नहीं रहा, तो इस तरीके से इसे रोटी के लिए बनाते हैं वैसे ही किया है, बंद कर दे। देखिए मैंने इस तरीके से आप देख सकते हैं पतली रोटी बेल ली है ना, अब ऐसी पतली एक और रोटी हम बेल लेते हैं राउंड। तो देखिए मैंने रोटी एक और बेल ली है, अब हम क्या करेंगे इसमें हम लगाएंगे अंदर चीज, देखिए चीज में ऑलरेडी नमक होता है तो मैं नमक नहीं ऐड कर रही,
आटे में हमने नमक पहले से ही मिलाया हुआ है, तो ज्यादा हमें मैं चीज को ऐसे लगा रही हूँ। अब चीज बर्स्ट है, आप अपनी पसंद से चीज ज्यादा कम लगा सकते हैं, मुझे लगता है इतना बेहतरीन, इतना बहुत रहेगा। और नमक की सीजनिंग की भी हमें टेंशन नहीं, हमने आटे में सब मिलाया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कवर कर देंगे दूसरी रोटी से जो हमने बेल कर रखी हुई है पहले से, इस तरीके से। ठीक है, इसको हम एजिस को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे जैसे हम बाजार से पिज़्ज़ा लेते हैं, तो उन्होंने इसी तरीके से फोल्ड किया होता है। इस तरह से फोल्ड करने से क्या रहता है कि ये बिल्कुल एजेस जो हैं सील हो जाती हैं। देखिए मैं कॉर्नर्स को उठाकर ओवरलैप कर रही हूँ, इस तरीके से ऊपर कर रही हूँ, और ये हमारी एजेस जो हैं उनको पतला भी करते चाहिए। ठीक है, और हमने आटा सॉफ्ट गूंदा, इसमें थोड़ा ऑयल और नमक मिलाया है, तो अगर जिस तरह इस हिस्से में अगर चीज़ नहीं भी होगा तो भी क्रिस्प हो जाएगा, खाने में अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हम कुछ रूखा खा रहे हैं। चाहें तो इसको पलट दें, पलटने के बाद आप इसको एक बार सेट कर दीजिए इस तरीके से। आप थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर, अगर आपको लग रहा है चिपक नहीं रहा है अच्छे से, तो चीज़ को आप चिपका भी सकते हैं। लेकिन कोई अभी हम क्या, ये चिपक नहीं रहा है चीज़, जब हम ये पिज़्ज़ा पकाएंगे, पराठा पकाएंगे, तो क्या होगा, चीज़ मेल्ट हो जाएगा, तो अपने आप सीलिंग हो जाएगी। और फिर थोड़ा सा हम ऑयल ब्रश कर लेते हैं हल्का सा, और मैं इस पर अपना जो हमने पराठा बेला है ये लगा देती हूँ। ठीक है, अब हम इसे कम आँच पर सेकते हैं, अच्छे से क्रिस्प करेंगे इसे, अच्छे से इसे क्रिस्प करेंगे, और दोनों तरफ से हम क्रिस्पी पकाएंगे। तो इसे थोड़ा सा मैं और क्रिस्पी कर लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ये अभी अच्छे से क्रिस्पी हो रहा है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर इसे पलटेंगे। अब इसके ऊपर भी हम ऊपर वाली परत पर जो हमने अभी तक नहीं पलटी है इस पर भी तेल लगा देते हैं। थोड़ा सा ही ब्रश कर रही हूँ मैं, ऑयल ज़्यादा नहीं। अब मैं इसको पलटती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे से पलट रहा है, देखिए हमारा पराठा जो है अच्छे से सील्ड है और ये सिक रहा है। अब देखिए कम आंच पर हमारा जो पिज़्ज़ा पराठा है वो सिक रहा है, चीज़ बर्स्ट पराठा, मैं इसे पिज़्ज़ा पराठा नहीं कहूँगी। अब इसमें थोड़ी सी केचप लगाती हूँ टॉप पर, आप कहेंगे क्या कर रही हूँ मैं, थोड़ी सी हमने केचप लगानी, सॉगी नहीं करना, लेकिन जब हम केचप लगाएंगे तो पिज़्ज़ा वाली फीलिंग आएगी, थोड़ा ड्राई नहीं लगेगा हमें। आँच को देखिए कम रखा हुआ है, अब इस पर मैं ऊपर टॉप पर चीज़ लगाऊंगी, चीज़ मेल्ट हो रहा है ना इसीलिए फ्लफी होता जा रहा है, जब ये अच्छे से सिक जाएगा तो हमारा पराठा बैठ जाएगा। तो हम चीज़ बर्स्ट पराठा बना रहे हैं, आप इस पर चाहें तो सीजनिंग लगा सकते हैं अपनी पसंद की आप, लेकिन मैं प्लेन ही रख रही हूँ इसको। तो चलिए मैंने कम आंच पर इसे ढक देती हूँ, अब मैं ढककर इसे चीज़ मेल्ट होने तक पकाऊंगी। अगर तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो नीचे से पराठा जल सकता है, तो आप गैस कम बंद करके भी पका सकते हैं, गैस को आप बीच में बंद कर सकती हैं, सेक लगता है तो अच्छा है। तो अभी मैं इसे सेक रही हूँ क्योंकि कच्चा है नीचे से, तो इसे 5 मिनट लगेंगे सिकने में, जितनी देर में ये सिकेगा उतनी देर में चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो चीज़ है बहुत अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, तो इसे थोड़ा और सेक लेते हैं। और आप देख रहे हैं अभी ये साइड से कच्चा है थोड़ा सा, तो वो भी सिक जाएगा, नीचे से भी थोड़ा कच्चा लगा है। तो चलिए इसे 5 मिनट के लिए भी हम और ढककर कुक करते हैं। देखिए हमारा बहुत अच्छे से चीज़ भी मेल्ट हो गया, इस पर थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। देखिए गर्मा गर्म मैंने चीज़ बर्स्ट पराठे को सर्व किया, ऊपर थोड़ी सी मैंने टॉपिंग के लिए चिली फ्लेक्स ज़्यादा ना हो जाए ऐड कर दिए हैं। देखने में पिज़्ज़ा की तरह ही लग रहा है, और आपको मैं काट कर बताती हूँ कि खाने में या काट में चीज़ बर्स्ट वाला इफेक्ट आ रहा है। इसे बनाना बेहद आसान था, आपने नोट किया होगा। चलिए इसको काट कर देखते हैं आप कैसा बनाए। चीज़ पराठे की बिल्कुल वैसे ही कटिंग करें जैसे पिज़्ज़ा की करते हैं, देखिए कितना अच्छे से चीज़ मेल्ट हो रहा है, और देखने में थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा की तरह लग रहा है जैसे मार्केट से लेते हैं, और बहुत अच्छी स्ट्रिंगी इफेक्ट भी आ रहा है चीज़ का। इसे सर्व करते हैं, लेयर है ये भी बड़ी अच्छी क्रिस्पी है, जो ये आप लेयर देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छे से कुक हुई है, एकदम क्रिस्पी है, और इसके अंदर भी चीज़ है अभी बहुत गर्म है, अभी बहुत गर्म है, मैं आपको बता नहीं पा रही। ये देखिए इसके अंदर भी चीज़ है, बहुत सारा चीज़ है, और ऊपर भी बहुत सारा चीज़ है, मेल्ट इन माउथ। आप बस चीज़ अच्छी क्वालिटी का लें, जो मोज़रेला चीज़ के नाम से आता है वो ले सकते हैं, तो पिज़्ज़ा चीज़ के नाम से मार्केट में बहुत सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से कटिंग हो रही है, बिल्कुल क्रिस्पी है, जैसे हम थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा लेते हैं मार्केट से, तो ये उसी तरह से बना है। तो देखिए हमारा चीज़ बर्स्ट जो पराठा रेडी है, और बहुत ईजी है, अगर बच्चों को कहीं थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाए तो भी सोच के खा लेंगे, अच्छे से क्रिस्पी है दोनों तरफ से, और ज़्यादा हमने तेल भी नहीं लगाया, और खाने में कैसा है, चटनी भी है, सब कुछ है। बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, पराठा नहीं है पिज्जा ही लग रहा है। आप जरूर बनाइएगा ये रेसिपी और मुझसे शेयर कीजिएगा आपको कैसी लगी।
आपको मेरी ये चीज़ बर्ड्स पराठे की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और नए व्लॉग या रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।